एक गांव 19 हाथी और बंटवारा। जी हां, हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें इन 19 हाथियों का बंटवारा आखिर होगा कैसे। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। एक गांव था, उसमें एक व्यक्ति के पास कुल 19 हाथी थे। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात उसकी वसीयत पढ़ी जाती है जिसमें लिखा था कि 19 हाथियों में से आधे हाथी मेरे बेटे को दे दिया जाए और उस 19 हाथियों में से एक चौथाई भाग मेरी बेटी को दे दिया जाए और उन 19 हाथियों में से पांचवा हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। सब लोग चक्कर में फंस गए कि आखिर ये बंटवारा होगा कैसे। सभी ने सोचा कि अगर इन 19 हाथियों को बांटा जाता है तो उनमें से किसी ना किसी को तो काटना पड़ेगा और काटते ही मन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो चलो अगर किसी को काट दिया जाए तब भी एक चौथाई भाग कैसे होगा और उसका पांचवा हिस्सा कैसे निकलेगा। सब लोग बड़ी उलझन में थे। चर्चाएं गांव-गांव तक पहुंची, गांव-गांव तक बात फैलने लगी कि आखिर इन 19 हाथियों का बंटवारा होगा कैसे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। राजा को भी खबर हुई कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकले। मामला 19 हाथियों का था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जो इस समस्या का समाधान करेगा मैं उसे एक हाथी इनाम में दूंगा। मामला और गरमाया, पूरे गांव में, दूसरे गांव में भी बात पहुंची कि जो इस समस्या का समाधान करेगा उसे एक हाथी राजा इनाम में भी देगा। तो फिर तो पास के ही एक गांव से एक लड़की आई। उसने राजा से कहा कि मैं इन 19 हाथियों का बंटवारा कर दूंगी। राजा बोले, कैसे करोगी बताओ। तो उस लड़की ने कहा कि आपने जो एक इनाम की राशि रखी है एक हाथी, वो आपको मुझे पहले देना होगा। राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम इनका बंटवारा कर दो तो एक हाथी तुम्हारा। तो फिर लड़की ने अपना एक हाथी ले लिया। अब कुल 19 हाथी। उस लड़की ने कहा कि जो एक हाथी आप मुझे दे रहे हैं वो भी इस हाथियों के साथ मिला दीजिए। तो राजा ने कहा फिर तुम्हें क्या मिलेगा। लड़की ने कहा कि मुझे बंटवारा करना है, मैं बंटवारा कर दूंगी। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया, उसकी लड़की की बात मान ली गई। अब उस लड़की ने बंटवारा शुरू किया। तो कुल मिला के 19 हाथी थे जिसमें एक और जोड़ दिया गया, कुल 20 हाथी हो गए। अब 20 का आधा यानी 10 हाथी उसके लड़के को दे दिए गए। अब 20 का चौथाई भाग हुआ यानी 5 उसकी बेटी को दे दिए गए। अब उसका बचा पांचवा हिस्सा, यानी पांचवा हिस्सा निकला 4, तो 4 हाथी उसके नौकर को दे दिए गए। कुल मिलाकर हुए 10, 5, 15, 15, 4, 19, यानी 19 हाथियों का बंटवारा हो गया। दोस्तों आखिर में एक हाथी बच गया। तो सब लोगों ने सोचा आखिर ये हुआ कैसे। सब लोग बड़े परेशान, लेकिन एक हाथी जो बचा वो लड़की ने अपना इनाम समझ के उसको ले लिया और हाथी को लेके खुशी खुशी अपने गांव चली गई। तो देखा दोस्तों कैसे एक लड़की की बुद्धिमानी से उस आराम से उस 19 हाथियों का बंटवारा कर दिया गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह उस लड़की की होशियारी से उसने 19 हाथियों का बंटवारा भी किया और अपना एक हाथी लेके चली भी गई। इसलिए दोस्तों कभी भी महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा शख्स आता है जो हम सभी को नए रास्ते दिखाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये नई छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और कोई भी नई खबर होगी, नई स्टोरी होगी, नई न्यूज़ होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू।